तो महिपाल जी, इसी ने मेरे ख्याल से घोड़ा मार्केट में पहचान बनाई है आपकी। बिल्कुल साहब, हैं? बिल्कुल। इसी से मतलब आपको लोग जानने लग गए कि साहब महिपाल जी भी है जो रखते हैं। बिल्कुल साहब, कुछ मतलब शो कंपटीशन वाले घोड़े। बिल्कुल। तो महिपाल जी, सबसे पहले तो इसका नाम जानना चाहूंगा मैं। इसका नाम है श्रवण भाई कृष्णा। कृष्णा? हाँ जी। अच्छा, और कहाँ ये पैदा हुई थी, ब्रीड कहाँ हुई थी? ये ब्रीड हुई थी साहब बाबा बालक दास जी के पास में। अरे वाह, वो तो घोड़े के महारथी है साहब। हाँ। और ये हर्ष की बच्ची है, हर्षवर्धन की। हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, हर्ष घोड़े की बच्ची है ये। तो ये तो तूफान लाइन से हो गई। हाँ, ये तूफान लाइन से है साहब, तूफान की पोती हो गई है। हाँ जी। अच्छा अच्छा, और मदर साइड से? मदर साइड से जमुना घोड़ी है, पुरानी ओत की घोड़ी है, बाबा जी के पास में ही है वो। अच्छा, उनके पास ही है क्या? हाँ। अच्छा अच्छा, वो घोड़ी होगी लगभग 22-23 साल के आसपास। अच्छा, मतलब वो पुरानी ओत की घोड़ी होगी। हाँ। तो बाबा जी से वहाँ से कैसे मिल गई आपको यार कुछ? ये तो हमारे पास में ही है ना साहब यहाँ से। हाँ, है तो पास में, लेकिन फिर भी वो तो घोड़ों के ज्ञाता है साहब, अच्छी तो चीज़ तो आजकल कौन देता है। वो तो बात सही है श्रवण जी, लेकिन हमने बड़ी मुश्किलों से ये बच्ची निकाली वहाँ से। अच्छा, जब ये थी लगभग 3 महीने के आसपास ही। हाँ हाँ। और वो तो एक उन्होंने एक ये चीज़ मानी कि आशीर्वाद ही है कि उन्होंने ये बच्ची दे दी। अच्छा, नहीं तो उन्होंने के पास में कई जने आए थे, सबको मना कर दिया था, उसने बोले नहीं ये देनी नहीं है मेरे को। अच्छा, इस बच्ची के लिए ना? हाँ जी। अच्छा अच्छा, तो अब भी आते हैं कि बाबा जी आपके फार्म? हाँ, आते हैं ना। बिल्कुल साहब, देखने के लिए। बिल्कुल है? कई बार आ गए बाबा जी, बोले बहुत अच्छी तैयार करी। अच्छा अच्छा, तो दिल तो खुश होगा उनका भी यार। बिल्कुल, जो इस बच्ची की सेवा देख के उनका दिल खुश हो गया, बोले नहीं यार बहुत अच्छी सेवा हुई। बोले तो महिपाल जी, या तो घोड़े रखो मत रखो, तो फिर सेवा अच्छी होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए साहब, अच्छी सेवा होगी वहीं पे पॉजिटिविटी मिलेगी साहब। आपने शूट करा था सर, ये बालोतरा में फर्स्ट आई थी वहाँ पर। हाँ बिल्कुल, बालोतरा में फर्स्ट। हाँ। आई थी, गर्मी के मौसम में खड़ी रही थी। और जो प्रशांत भाई का जो शो है, जिसके अंदर दो दांत और अदंत का जो शो हुआ था जोधपुर के अंदर नगर निगम वाला। हाँ, उसके अंदर दो दांत और अदंत कैटेगरी के अंदर ये बहुत छोटी थी उस समय बच्ची। अच्छा, लेकिन वहाँ पर भी ये सेकंड आई थी अदंत में। हाँ, अदंत में। और जबकि जो रिंग थी वो दो दांत और अदंत एक साथ कैटेगरी मतलब मिक्स थी है ना। हाँ, मिक्स दो दांत की और अदंत की। अदंत की। अच्छा, उसमें ये फर्स्ट आई है? उसमें सेकंड आई थी ये। सेकंड है ना। हाँ, तो एक तरह से फर्स्ट ही हो गई। बिल्कुल बिल्कुल हो गई, दो दांत कहाँ और ये कहाँ, उस समय अदंत थी ये, उस समय 14-15 महीने की बच्ची थी। देखो यार, अगर मिल्क टीथ को अपन दो दांत में बिड़ाएंगे तो असर तो पड़ता ही है साहब। उस लेकिन फिर भी भाई दो दांत के अंदर अब देख लो ना सर, इसका पूरा शरीर। अब उस समय ये 14-13 या 14 या 15 महीने की थी उस समय। लेकिन वहां पर भी इसने सेकंड पोजीशन हासिल करी थी। बिल्कुल बिल्कुल, तो मतलब अच्छी पोजीशन हासिल की है। और दो दांत ही मान लो, एक तरफ दो दांत के बीच का मायने अदित ने कंपटीशन किया इसने। तो ये वहां में तो सेकंड आई है, वो बालोत्र में फर्स्ट। अरुण भाई, इसकी क्वालिटी देख लो, इसकी जो गर्दन है, पुट्ठे हैं, लेंथ है। अभी क्या एज हो गई इसकी प्रॉपर? ये अभी इसने 3-4 महीने पहले करे दो दांत। दो दांत कर लिया ना। हाँ। अच्छा अच्छा, तो अभी आगे क्या है विचार, इसको 4 दांत में या 2 दांत में लगाओगे कहीं? इसको मेयर कैटेगरी के अंदर लगाएंगे, अगर कभी दो दांत में अगर कहीं शो हुआ। हाँ, शो तो कहाँ हो रहा है आजकल यार। अब शो तो आपके सामने ही हालत है शो की। तो शो तो यार क्या करे यार, शो की तो हालत खराब। अभी लेटेस्ट में होने वाला था एक जयपुर का और एक पुष्कर का। पुष्कर का दोनों ही कैंसिल हो गए। अगर दोनों में से एक में तो जाते जाते आप लेके। बिल्कुल जाता साहब। हैं? बिल्कुल, पुष्कर ले जाने का पूरा विचार था इसको, पर कैंसिल हो गया पुष्कर। हाँ। यार पुष्कर कैंसिल हो गया, जयपुर कैंसिल हो गया। सही बात है। तो ये मेड़ों पे यार, मेड़ों पर शो पर महिपाल जी ग्रहण कैसे लगा हुआ है राजस्थान में? अब क्या पता साहब कौन सा ग्लेंडर है, सिर्फ वो राजस्थान में ही है, बाकी पंजाब में और गुजरात में और महाराष्ट्र में नहीं है। मुझे लगता है यार थोड़े दिन बाद में तो क्या है, जहाँ भी शो अलाउस में होगा या मेला अलाउस में होगा ना, वहाँ पे एक काली हांडी लगता है। क्या श्रवण भाई, वो ग्लेंडर यही राजस्थान में घूम रहा है बाकी और अदर स्टेट में नहीं जा रहा, और कहीं नहीं है यार। हाँ, कहीं बाकी देखो ना, पंजाब में अभी भी मंडी चल रही है। मंडी चल रही है ना, जगहों की मंडी चल रही है और शो भी हो रहे हैं। बिल्कुल, पंजाब में ग्लेंडर क्या है, सिर्फ राजस्थान के लिए ही है। बिल्कुल बिल्कुल यार, इनके लिए तो देखो अगर राजस्थान में एक्टिव है तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो आम किसान पालक। सब जितने भी अशोपालक है राजस्थान के मिलके वो करेंगे, जब भी होगा, जब भी होगा, नहीं तो कोई मतलब नहीं, तो ये पॉसिबल नहीं है। धीरे धीरे जिस हिसाब से ये सिचुएशन बनती जा रही है, उस हिसाब से मेरे को नहीं लगता कि मेला मंडी कहीं होएंगी अगर राजस्थान में। बिल्कुल सही है,
और हो ही रही है पिछले 3 सालों से पुष्कर कैंसल सम्मान ही है। बिल्कुल कैंसल सम्मान ही है वो और क्या है पुष्कर। उस समय भी ग्लेंडर का बहाना ले लिया था, उस समय भी ग्लेंडर का बहाना था लिम्पी और ग्लेंडर, जबकि पुष्कर के आसपास लिम्पी रोग तो खत्म ही हो चुका था लगभग। बिल्कुल था ही नहीं उस टाइम में। तभी तो कह रहा हूँ मेले हो चाहे राजस्थान में मेले हो चाहे शो हो, काली आंडी पहले लटकानी पड़ेगी ताकि किसी को ग्लेंडर की नजर ना लगे। बिल्कुल लगानी पड़ेगी साहब, ग्लेंडर की नजर नहीं लगवाए बस। बिल्कुल बाकी और तो पता नहीं क्या है। तो महिपाल जी ये दो बार जीती है अभी शो में। हाँ। अच्छा, एक तो नगर निगम वाला और एक बालोतरा वाला। बालोतरा के अंदर और पुष्कर के अंदर भी जो अशोक पृथ्वी की शान जो ग्रुप था। हाँ हाँ। उसमें भी नंबर आया था इसका। अच्छा पार्टिसिपेंट किया था वहाँ। हाँ, वहाँ पर करा था ना पार्टिसिपेंट। फिर वहाँ पे पोजीशन लगी। हाँ, वहाँ पर पोजीशन लगी थी ना इसकी, चौथी पोजीशन पे थी वहाँ पर। अच्छा, तो उस टाइम तो शायद मेरे ख्याल से पहली बार लगाया होगा आपने। हाँ, नहीं नहीं वो सेकंड बार लगाया था इसको। अच्छा पहले बालोतरा लगाया था। पहले नहीं उसके, हाँ पहले बालोतरा लगाया था। अच्छा नहीं उसके बाद में बालोतरा लगाया था मैंने। पुष्कर लगा होगा मेरे ख्याल से। पहले पुष्कर लगा था उसके बाद में बालोतरा लगा। अच्छा तो पुष्कर में चौथे स्थान पे आई। हाँ। और फिर जो फर्स्ट पे आ गई। हाँ जी। तो एक्सपीरियंस तो रहा ही ना यार आपको। बिल्कुल एक्सपीरियंस तो रहा ही है ना साहब भाई, रिंग का एक्सपीरियंस तो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। अब बहुत से लोग क्या हताश भी हो जाते हैं रिंगों से यार। देखो शरवण भाई मैं एक चीज जानता हूँ, स्पोर्ट्स पर्सन कभी भी हताश नहीं होता है। खैर बिल्कुल, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों भाई, अपने को अपना आज किस किस तरीके से बेटर बनाना है। स्पोर्ट्स जो स्पोर्ट्स पर्सन रहा है वो कभी भी हताश नहीं होता है। बिल्कुल बिल्कुल सही। और ये रिंगों के अंदर ये अपने नी अगर नंबर नहीं भी आया तो कोई बड़ी बात नहीं है। सही है, कोई बड़ी बात आप और अच्छी तैयारी करके लेके जाओ। मैं तो ये कहता हूँ अगर रिंगों में नंबर नहीं आता है तो आपको जो भी पोजीशन मिलती है वो एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल कर लेनी, एक्सेप्ट हंस के कर लेनी चाहिए। बिल्कुल सर, देखो पब्लिक तो देखती है ना अपने एनिमल को। बिल्कुल श्रवण भाई, देखो आज इस रिंग में नंबर नहीं आया तो आपको क्या कमियां हैं आपकी बच्चे में, वो सारी पता पड़ जाएगी आपको। आप उसको बेटर करके अगली बार लेके जा सकते हो। स्पोर्ट्स पर्सन क्या, यही तो चीज है कि भाई मेरे खेल में किस चीज की कमी रही। बिल्कुल सही है भाई, मेरे खेल में किस चीज की कमी रही उसको सुधार करके लेके जाना है। बिल्कुल बिल्कुल, और ज्यादा से ज्यादा सुधार करने की कोशिश ही करेगा। बिल्कुल, और एक ना एक दिन तो नंबर आएगा। बिल्कुल आएगा सर, हताश होने से नंबर ऐसे थोड़ी ना होता है कि नहीं यार मेरा तो उतारा मेरा नंबर नहीं आया। अगर वो डिजर्व कर रहा है, डिजर्व कर रहा है तो उसका नंबर जरूर आएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही है। तो कुल मिला के हताश नहीं होना है और लगातार कंपटीशन में भाग लेना। बिल्कुल बिल्कुल, जो अगर किसी के पास में पशु है डिजर्व करने वाला तो उसको कभी भी हताश नहीं होना चाहिए, उसको प्रयास करना ही चाहिए हर बार। बिल्कुल बिल्कुल। चलो महिपाल जी आपकी ये सीख और किसी के काम आए, इसी के साथ धन्यवाद। इसकी हाइट वगैरह क्या बताइए आपने? ये सर अभी है 62 के आसपास, 62 अबाउ है। 62+ मान लो। हाँ 62+ है ये। ठीक है। दो दांत में 62+ है। और अभी तो एक मेरे हिसाब से 1-1.5 इंची करनी चाहिए हाइट। अच्छा, तो अभी आप घोड़ा वोड़ा कोई दिखा क्या सोच रखा है इसके बारे में, कौन सा घोड़ा दिखाने का प्लान है आपका? क्योंकि अभी तो जैसे दो दांत आएगी तो हिट पे आते दिखाओगे आप? बिल्कुल अब की बार दिखाना है इसको, अब की बार दिखाना है। तो कोई घोड़ा चूज किया आपने? नहीं अभी कोई चूज नहीं करा। अभी कोई चूज नहीं किया? हाँ। अच्छा, मार्किंग में तो इसके कुछ नहीं है, एक हल्का सा माथे पे, हाँ माथे पे टीका है बस, एक हल्का सा ही है, बाकी पूरी जेड ब्लैक है। तो इसके लिए तो या तो महिपाल जी मैं मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, या तो कोई पच कल्याण घोड़ा हो बढ़िया, या पट्टा हो कोई जिसके दो पैर वाइट हो। बिल्कुल बिल्कुल, वैसा घोड़ा सजेस्ट करो भाई। सरवण भाई इसके अंदर एक्चुअली क्या, ब्यूटी तो खुद में है, इसके अंदर ब्यूटी खुद में है। बिल्कुल, तो इसके हिसाब से जो हैवी बोन और जो पट्टा दे रहा होगा, बिल्कुल वही घोड़ा दिखाएंगे। चलो ऑल द बेस्ट है महिपाल जी आपको, आगे आपकी घोड़ी और शो जीते और आपका कबीर स्टेट फार्म का नाम रोशन करें। थैंक यू साहब, और एक अच्छा बच्चा ये प्रोड्यूस करें। थैंक यू सरवण भाई। ठीक है महिपाल जी, ठीक, थैंक यू।